फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर में पहुंचे हुए हैं और यहां वे आमेर का किला देखने के लिए पहुंचे हैं। इमैनुअल मैक्रों जो कि 26 जनवरी में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए भारत पहुंचे हैं। इंडिया बेसिकली वो जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, वो उनको हिस्ट्री दिखाना चाहते हैं, कल्चर दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं भाई हम बहुत पुराने। एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर उनको किस तरीके से बहुत ही ज्यादा इज्जत मिली और बहुत जबरदस्त उनका वार्म वेलकम किया गया। हमारे यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस डे आता है, हमारे यहाँ पे भी बहुत ऐसे डेज आते हैं, बड़े इवेंट्स आते हैं, तो बड़े प्लेयर्स इंटरनेशनल पावर्स यहाँ पे क्यों नहीं आते। तो कभी फकीर के पास भी कभी किसी को जाते हुए देखा है, तो फकीरों के पास कोई नहीं जाता। ये हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। उनके पास मोदी भी है, उनके पास दुनिया आएगी। मोदी है भाई। बहुत सारी इंडिया की ऐसी जगह है जहाँ पर वो तारीखी जगह है, जहाँ पर वो विजिट करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और वो दोनों खुद। लेकिन इंडिया वो जाते हैं, वो क्या वजूहत है कि वो इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं? इंडिया तो दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ क्या मुकाबला कर। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वो हमसे तो बहुत आगे। वो बेसिकली वो फ्रांस का और इंडिया का एक हिस्टोरिकल कनेक्शन ढूंढना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कनेक्शन पाकिस्तानी नहीं ढूंढ सकते। जो फ्रांस का विजिट इंडिया का, उसमें ऐसे बड़े बड़े एग्रीमेंट सामने आ रहे हैं कि होश उड़ जाएंगे सुनने वाले। टॉपिक है कि जो मैक्रोन है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, वो इंडिया गए हैं, डायरेक्टली इंडिया ही आएगा। वजह साफ जाहिर है, इंडिया के पास इंडस्ट्री है और इंडिया के पास इकोनॉमी है जो हमारे पास नहीं है, और इंडिया के पास आपको चंद्रयान 3 भी है, उनके पास मोदी भी है, उनके पास दुनिया आएगी। मोदी है भाई, मोदी का लग रहा फैन है जी। मैं फैन नहीं हूँ, लेकिन मोदी मेरे ख्याल में अकलमंद इंसान है। मोदी अकलमंद इंसान भी है, लेकिन अपनी पॉलिसी के इंतहाई मेरे ख्याल में मजबूत स्ट्रिक्ट लेवल के प्रिंसिपल्स हैं उनके। जब वो फॉलो करने पर आते हैं तो किसी को नहीं देखते, खा वो कश्मीर का आर्टिकल हो या कुछ भी हो, लेकिन जब वो काम करने पर आते हैं तो वो करके दिखाते हैं। वो आपने देख लिया कि जब से मोदी आया, हम कह रहे नहीं इंडिया में वो हो गया, ये हो गया, मर गए। तो जैसे वहाँ पर कोरोना का फ्लो आया, आप लोगों ने देख लिया कैसे उन्होंने कवर किया। हाँ जी। उनके पास शमशाद घाट खत्म हो गए थे तकरीबन। हाँ जी। फिर भी इंडिया के जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, पूरी दुनिया का डाउन हो गया, इंडिया टॉप पे चल रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है? ऐसे उनके पास मैंने सबसे पहली बात ये कि सिविल गवर्नमेंट है जो आवाम ने सेलेक्ट की है, और फिर जो वहाँ पे लोग आते हैं ऊंचे लेवल पर उनकी कैपेसिटी भी है। अगर हमारे तो आप ये कहना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में जब यहाँ पर वो होते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिंदा थे तब, और उसके मौजूदगी में फवाद अहमद चौधरी, फवाद हुसैन है पता नहीं क्या नाम है उस बंदे का, वो टेक्नोलॉजी के वजीर बने थे, फवाद चौधरी जो अब्दुल कदीर खान की मौजूदगी में टेक्नोलॉजी के वजीर बने थे, तो क्या उसकी कैपेसिटी है? अब बताइए, वो एक वकील है, एक जर्नलिस्ट बन सकता है, वो पॉलिटिक्स कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी बड़ा सीट उसको देना जिसकी कैपेसिटी नहीं है। देखो, नफरत एक अलग चीज़ है और किसी के नजरियात से इख्तिलाफ करना ये अलग चीज़ है। आइडियोलॉजी सही, आप ये कह रहे हो आइडियोलॉजी जो, हाँ आइडियोलॉजी से इख्तिलाफ होने चाहिए, एक इंसान से नहीं होना चाहिए। मुझे मोदी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, उसका आइडियोलॉजी से शायद मुझे इख्तिलाफ हो कुछ, जो उनमें बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म की उसकी है सियासत, वो मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। तो मुल्क भी तो उठा रहा है, जब तक आप फिट नहीं होगे अपने मुल्क के लिए या आप इतने ज्यादा कंसर्न नहीं होगे तो आप कैसे मुल्क को उठाओ। और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखिए, पूरा फर्स्ट डे जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिखा रहे हैं उनको। व्हाई इज इट रिक्वायर्ड टू शो हिस्ट्री टू फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इट इज नॉट जस्ट फॉर द फ्रेंच प्रेसिडेंट, इट इज टू क्रिएट ऑप्टिक्स फॉर द ग्लोबल ऑडियंस। दैट जब आप देखें नरेंद्र मोदी जंतर मंतर जाए, अमर फोर्ट जाए, तो दैट विल नॉट मेक ग्लोबल हेडलाइंस, दैट विल मेक नेशनल हेडलाइंस प्रायमरली। बट व्हेन अ फ्रेंच प्रेसिडेंट हु इज लाइक द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द यूरोप एंड दे हैव दैट स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद इंडिया, व्हेन ही विल गो टू जंतर मंतर, अमर फोर्ट एंड अदर प्लेसेस, देन डेफिनेटली दैट विल क्रिएट अ हिस्टोरिकल, एक वो ग्लोबल हेडलाइंस मिलेंगी। सो वो जो डॉक्टर जयशंकर, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि वो बता रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे असी बड़े पुराने हैं, ये आप इंडिया को ऐसे ना देखें जैसे आप देख रहे हैं, अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज करें इंडिया को बदलने देखने के लिए। सो दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग, दे आर टॉकिंग। अब फॉर एग्जांपल ये जब वो जंतर मंतर जाएंगे, वहाँ प्राइम मिनिस्टर उनको मिलेंगे, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की क्या है, एंड वो कहते हैं ये फ्रेंच के लिए, ठीक है जी, वहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है ऑब्जर्वेटरी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फ्रांस का और इंडिया का एक हिस्टोरिकल कनेक्शन ढूंढना चाहते हैं।
अनफॉर्चुनेटली ये कनेक्शन पाकिस्तानी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि हमने तो वो जारी बात है ये कहा हुआ है कि हम तो मुसलमान थे और फिर हमारा तो वो जो हेरिटेज मुसलमान इंडिया में ढूंढना चाहते हैं वो सिर्फ मस्जिदें हैं, ठीक है, वो कल्चरल साइट्स नहीं हैं। भाई आपने जब किसी जगह को ओन करना होता है तो आपने पूरी हर चीज़ को ओन करना होता है, ठीक है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी मंदिर गिरा दें और वहाँ मस्जिद बना दें, ठीक है, आपको यू हैव टू ओन द एंटायर सिस्टम एंड वाइस वर्सा। अगर आप मंदिर गिरा के मस्जिद बनाएंगे, ठीक है, एंड देन मस्जिद गिरा के मंदिर बनाएंगे एंड वाइस वर्सा करेंगे तो यू डोंट ओन द एंटायर कल्चर। आपको आपकी बात तब है जब आप सारे के सारे कल्चर को एम्ब्रेस करें एज इट इज, जैसे कोई कल्चर वहां पे है। अब पाकिस्तान, अब जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं, ठीक है, ये इस एरिया में वी कैन हैव शोन सो मेनी थिंग्स टू द वर्ल्ड बट वी डोंट शो। हम वो हिस्ट्री ऐसी पहुंचो तो मुगलों की हिस्ट्री तो ले आ जाने, बट द हिस्ट्री ऑफ दिस, ये जो इस खत्ते की है ये अपनी जगह पे। अब सुनने में आ रहा है कि वो जो बताएंगे जी जी के जितने भी उस वक्त क्या नाम है जो एस्ट्रोनॉमिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स आते थे, ठीक है जी, वो भी यहीं बिल्ड हुए थे और जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोर्स। देन सुने हैं कि जॉइंट रोड शो होगा जंतर मंदिर में। पर बात करने का पर्पस है कि अभी मैक्रोन जो हैं फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर, सर वो विजिट करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान। सर वहाँ पर उनकी इनोवेशन, उनके जो इस्तकबाल के लिए बहुत सारी इंडिया की ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो तारीखी जगह है जहाँ पर वो विजिट करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और वो दोनों खुद। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब एक प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ को विजिट करते हैं तो उस चीज़ को स्पेशल मानी जाती है, वहाँ पर टूरिज़्म का कितना ज़्यादा फ्लो होगा और मैक्रोन के जो विजिट करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया में इंडिया के रिलेटेड? देखें, ये हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है, ठीक है, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है जी। वो एक बड़ी मार्केट है जी। उसके मुकाबले में हम 1/5 पे भी नहीं आते, ठीक है, तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। दुनिया जो है ना वो ग्लोबलाइज है और दुनिया अपना इंटरेस्ट देखती है, और इंडिया में इंटरेस्ट है सबका। अच्छा, क्या इंटरेस्ट है? इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वो हमसे तो बहुत आगे है। देखिए ना, एक तो वो बिग मार्क के नहीं खाता, हम बिग मार्क के अभी तक, तो मतलब हम चलते हैं सारा उसी फंड्स के ऊपर, ये वो सारे मामला, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फिर वो लोग, अब उनकी कोशिश है वो स्किलफुल लोग पैदा कर रहे हैं। अब आप पाकिस्तान में देख रहे हैं ना, अब डिग्रियां हैं लोगों के पास, जॉब नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ें इंपैक्ट करती है। और फिर जब इंटरनेशनली मार्केट ने आना ही आना है, वहाँ पर जहाँ पे मार्केट बड़ी होगी 2200 लोगों ने आना है। इंटरनेशनल पॉलिसी जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें एक चीज़ को देखा जाता है, वो इंटरेस्ट, जहाँ पे इंटरेस्ट होगा। अब देखिए, वो सऊदी है, दुबई है, वो भी इंडिया में जा रहे हैं, वो तो मुसलमान है, उनको नहीं जाना चाहिए। हम ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं ना, हम कहते हैं जो काफर ये तो वो हमारे लोग सोचते हैं ना, लेकिन वो नहीं सोचते, वो कहते हैं नहीं, इंटरेस्ट जहाँ पे है लोग वहाँ पे जाएंगे। तो आपने अगर इंटरेस्ट डिवेल्प करना है तो फिर आपको भी वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो वो कर रहे हैं। वो देखे ना, वो इंडस्ट्री में काम पे चले गए, इम्पोर्ट इम्पोर्ट काम पे चलेगी, आईटी में काम पे चलेगी। स्टॉक मार्केट के बारे, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताता जाऊँ, दुनिया का चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंजर बन गया इंडिया। मैं कह रहा हूँ कि वो हर लिहाज से आगे जा रहे हैं ना, वो मेहनत कर रहे हैं ना।